उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जिससे काफी हंगामेदार होने के जिसके आसार नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सदन से लेकर सड़क तक योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। यूपी विधानसभा के मानसून सेशन में योगी सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी ने फुल प्लानिंग कर ली है। एसपी ने किसान कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सदन के अंदर राज्य सरकार को घेरने का मन बना लिया है। वहीं विधानसभा के बाहर भी समाजवादी पार्टी काफी हमलावर है। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज योगी सरकार के खिलाफ पैदल मार्च करने वाले हैं। अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ पार्टी दफ्तर से लेकर विधानसभा तक मार्च करेंगे, जिसमें अखिलेश योगी सरकार की नीतियों पर हमला करेंगे। इससे पहले कल यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक की, जिसमें विपक्ष से सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग मांगा गया है। सर्वदलीय बैठक में एक बड़ा फैसला भी लिया गया, जिससे विधानसभा का मानसून सत्र इस बार खास होने वाला है, क्योंकि इस बार मानसून सत्र का एक दिन सिर्फ महिलाओं के नाम होगा। प्रत्येक महिला सदस्य को बोलने के लिए कम से कम 3 मिनट और अधिकतम 8 मिनट का समय दिया जाएगा। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि आजादी के बाद से ऐसा पहली बार होगा जब विधानसभा सत्र का एक दिन महिलाओं के नाम रहेगा।